आपका नाम? मेरा नाम मास्टर नईम अख्तर है जी। किस बिरादरी से ताल्लुक रखते हो साहब? जी मुस्लिम सिकदीगर सैकड़गढ़ मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी। पद क्या है आपके पास में? अध्यक्ष के पद है। अध्यक्ष? प्रदेश अध्यक्ष। प्रदेश अध्यक्ष हो आप सिकली ग्राम के? सिकलीगढ़ सैकड़गढ़। अच्छा सिकलीगढ़, ठीक। वेलफेयर सोसाइटी, ठीक। तो आप किस पार्टी को 2022 के चुनाव में अपना समर्थन देना चाह रहे हो? हम ज्यादा कोशिश तो ये करेंगे कि समर्थन समाजवादी पार्टी को देंगे। हमारी जाति जो है बिरादरी, चूँकि न उसके अंदर ओबीसी के अंदर पिछड़ी जाति में, इसे लाने की कोशिश है। और जो यही बिरादरी में यही जाति है अपना, इसके अंदर समाजवादी पार्टी ही इसको उसमें कर पाएगी। तो और कोई मुख्य कारण आपका अदर पार्टी को सपोर्ट करने का? नहीं, अदर पार्टी को सपोर्ट करना तुम्हारा कोई समर्थन ज्यादा होनी है इरादा। आपका नाम? मोहम्मद इसरार। आप समाजवादी से हो? जी है, हम समाजवादी कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता। लेकिन मैंने अपने राष्ट्राध्यक्ष जी से मशवरा किया और इनके निर्णय में चलने का काम हुआ हमारा, क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं समाजवादी पार्टी को समर्थन करने का काम करेंगे और दे लॉन्च जो भी मांग होगी हमारी, सपा की सरकार आने के बाद में होगी जो भी हमारे मामलात होंगे। क्योंकि अब सबसे पहला सवाल हमारा यही है कि प्रदेश से भाजपा को हटाई जाए और समाजवादी को लाई जाए, क्योंकि आज आप देख रहे हैं किस तरह का माहौल बन रहा है और कैसे कैसे निर्णय लिए जा रहे हैं। एक साल से किसान की मांग थी वो पूरी नहीं हुई, लेकिन चुनाव वक्त करीब आने पर इन्होंने घोषणा कर दी कि जो किसान की मांग थी उससे कदम पीछे हटा लिया, जो कि ये कहना चाहते थे कि एक इंच भी हम पीछे नहीं हटेंगे। आज वो 56 इंच का सीना जो है वो 01 का हो गया। नहीं, सरकार ने हमारी शर्तें जो है 3 कानून बिल जो था वो वापस ले लिया, तो इससे आपको क्या नाराज़गी? हमें कोई नाराज़गी नहीं है। हम तो चाहते हैं कि किसान जो है वो अन्नदाता है और उसकी मांग को जायज तरीके से मान लेने का काम करें। ये काम जो आज हो रहा है, इतने किसान जो शहीद हो गए बॉर्डर पर, और लखीमपुर कांड आपका मालूम ही है कि किस तरह से लखीमपुर कांड हुआ है। इसलिए जो है अगर इस सरकार को पहले ही मान लेना चाहिए था तो ये काम ना होता। अच्छा, दूसरी बात, इस बात की क्या गारंटी है कि आज जो इन्होंने कानून वापस लिया कोई और नया कानून ला के फिर से थोप दे? क्योंकि ये तो देखो चुनाव का मुद्दा है और चुनाव जीतने ही के लिए ये इन्होंने काम किया है, पर जनता इस बात को जानती है और समझती है। क्योंकि जो अभी उपचुनाव हुआ उसमें आपको पता है नहीं कितनी करारी भाजपा की हार हुई है, कहीं से इन्हें क्या मिला है बताइए आप। इसी तरह से प्रदेश के अंदर भी इनकी लहर बनी हुई है। अब जो बात इनके दिमाग में है वो काम नहीं होगा, जनता बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी है। ये केवल इनकी जुमलेबाजी है। अब रहा मसला हमारा कि हमारा पूरा समाज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ है, जो हमारे बिरादरी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ हैं, और इन्होंने जो निर्णय लिया है कि हम समाजवादी पार्टी व माननीय अखिलेश यादव जी को अपना पूरा समर्थन दें करने का काम करेंगे, और जितनी भी मेहनत होगी हम पार्टी के लिए मेहनत करेंगे। सन 2022 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री देखने की इनकी तमन्ना है और हम सारे बिरादरी के लोगों की यही तमन्ना है। ये संपर्क में है और एक हम सम्मेलन करेंगे, उस सम्मेलन के अंदर जो है अपने बिरादरी को लोगों को बुलाएंगे और हो सकता है हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाने का काम कर सकते हैं। तो जिला सहारनपुर में आपकी बिरादरी कितनी वोट है साहब? हमारे बहुत वोट हैं, इस बात को आप रहने दीजिए, और हम ये नहीं बता सकते हैं। अनगिनत वोट होता है तो आप जानते हैं, तो हम बता नहीं पाएंगे कितना वोट है और प्रदेश में हमारा कितना वोट है, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को पता है। लेकिन यह है कि हमारा सारा समाज वोट दे रहा है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि भाई कितना वोट है हमारा। जितना ही वोट है, चाहे 1 वोट है हमारा या 1 लाख वोट है, हमारा पूरा वोट समाजवादी सरकार को जाएगा। धन्यवाद।